आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। काशीपुर में आज कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान चैम्बर के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध उद्यमी विकास जिंदल का चयन किया गया। मंच से अपने उद्बोधन में वक्ताओं ने चैम्बर की गतिविधियों के मद्देनजर उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने कोविड की पहली और दूसरी लहर के बीच उद्योग जगत के उद्योगों के संचालन के लिए जो भी दिक्कतें आई थी, उन सभी दिक्कतों का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए निवर्तमान अध्यक्ष अशोक बंसल और उनकी टीम का धन्यवाद किया। इस दौरान उद्यमी एयर भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि आने वाले पेशी की जिम्मेदारी है कि चैम्बर की उन्नति को और आगे बढ़ाया जाए। चैम्बर के नए अध्यक्ष विकास जिंदल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश को पहली बार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में एक युवा और जुझारू मुख्यमंत्री मिला है। उनसे चैम्बर को अपेक्षा है कि उद्योगों के लिए बिजली की निर्बाध गति से आपूर्ति हो, साथ ही रेल मार्ग, सड़क मार्ग के साथ वायु मार्ग का स्ट्रक्चर बेहतर हो सके। नए इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ के एग्जिस्टिंग उद्योग को जो है वो संतुष्ट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी सोच सरकार की पहली बार आई है। वो कह रहे हैं कि जब हम आपको संतुष्ट करेंगे तभी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और जो है नया उद्योग यहाँ आएगा। तो ये सरकार का कदम ऐसा है कि इससे निश्चित तौर पर प्रदेश में जो है वो औद्योगिकरण की गति तेज होगी। वही उन्होंने सरकार से सिंगल विंडो सिस्टम में उद्योगों को शामिल करने की मांग की है। एक बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोड का, रेल का, एयर की कनेक्टिविटी बेहतर मिले। जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है जो काफ़ी साल से लागू है लेकिन क्रियान्वयन में वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो हमारी अपेक्षा है नई सरकार से, नई नेतृत्व से, कि हमारे को जो है सिंगल विंडो सिस्टम में जो है इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। काशीपुर से सुनील शर्मा, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।